स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टू है गिवन। क्वेश्चन नंबर टू में गिवन है कि सरफेस एरिया एस डायरेक्टली स्केयर ऑफ रेडियस की गिवन है, एस की वैल्यू 16 पाए और आर की वैल्यू 2। क्वेश्चन के अंदर हमने आर की वैल्यू रेडियस फाइंड करना है जब एस की वैल्यू सरफेस एरिया की वैल्यू 36 पाए हो। तो आप स्टूडेंट सेम उसी तरह का क्वेश्चन है आपके पास गिवन है, यानी सरफेस एरिया गिवन है डायरेक्टली हैज दी स्केयर ऑफ रेडियस स्केयर, तो आर है तो उसके ऊपर स्केयर करेंगे। उसी तरह स्टूडेंट आपने सेम सेट है, यहाँ पे आप डायरेक्टली ख़त्म करेंगे तो के आर स्केयर आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। यहाँ पे हमने एक ही हमारे पास वैल्यू गिवन है, स्केयर एरिया एस इज इक्वल टू, यानी सरफेस एरिया एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्केयर और एस इज इक्वल टू के आर स्केयर। यहाँ पे एस की वैल्यू है 16 पाए, आर की वैल्यू 2, और ये इक्वेशन नंबर वन के अंदर हम पुट करेंगे। एस की वैल्यू है 16 पाए, के और आर की जगह आपने 2 पुट कर देना है, यहाँ पे आ जाएगा 16 पाए और आपने 2 का अगर हम स्केयर करें तो ये आ जाएगा 4K। यहाँ से हमने K की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ आ जाएगा 16 पाए ओवर 4, K की वैल्यू आ जाएगी 4144 16 इज इक्वल टू 4 पाए। आप स्टूडेंट जो हमारे पास K की वैल्यू आई है K इज इक्वल टू 4 पाए पुट इन इक्वेशन नंबर वन। यहाँ पे जो इक्वेशन वन है K की जगह उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है S इज इक्वल टू 4 पाए आर स्केयर, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब तो नहीं हमारे पास इक्वेशन नंबर टू आ गई, एस इज इक्वल टू 4 पाए आर स्केयर। अब तो हमने बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है आर, आर की वैल्यू फाइंड करेंगे जब हमें गिवन होगा एस इज इक्वल टू 36 पाए। अब तो नहीं यहाँ पे हमने आर फाइंड करना है तो एस की जगह पुट कर देंगे 36 पाए, यहाँ पे 4 पाए आर स्केयर। आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 36 पाए है तो 4 पाए यहाँ पे डिवाइड आर स्केयर, पाए पाए से कैंसिल, 4194 36 आर स्केयर इज इक्वल टू 9 स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा आपके पास आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 क्योंकि रेडियस इज पॉजिटिव। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन था जो आर की वैल्यू 3 आई। अब स्टूडेंट यही क्वेश्चन नंबर 3 आप से मेथड के साथ चूज़ करके करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लीजिए इजाज़त दीजिए।